Hello students, welcome to Swadhyay classes. I hope you all are good. I am Subhas Yadav here. So students, आपको भी पता है कि 14th of April को CBSE ने एक notification जारी करी है जिसके अंदर साफ साफ उन्होंने instruction दिया है कि किस तरीके से कि आपका जो 10th का exam है वो उन्होंने cancel out कर दिया है, उसकी जगह पे आपका subjective questions, subjective paper नहीं होगा, आपका MCQ papers होंगे और 12th का जो है आपका पोस्टपोन कर दिया। 1st of June को स्टूडेंट्स हमें ये पता चलेगा कि MCQ एग्जाम आपके कितने मार्क्स का आएगा, हाउ मेनी नंबर ऑफ क्वेश्चंस कमिंग आउट इन द एग्जाम। तो उससे पहले स्टूडेंट्स आपको पता है कि आपको भी प्रिपरेशन करनी होगी क्योंकि कंटिन्यूटी एक मेन थिंग है जिससे कि आप एक अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो उसी चीज़ को हम यहाँ पे एक मैराथन स्टार्ट कर रहे हैं स्वाध्याय क्लासेस के ऊपर, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं ताकि कि आपके एक अच्छे मार्क्स एक अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। तो स्टूडेंट्स, जो सबसे पहले हम टॉपिक उठा रहे हैं वो है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। ये चैप्टर आपका कटआउट नहीं हुआ है, इसमें से एक भी टॉपिक आपका कटआउट नहीं हुआ है इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, और इसमें से नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत सारे हैं कॉन्सेप्चुअल बेस पे, आपके फॉर्मूलाज के ऊपर, आपका आपके जो न्यूमेरिकल्स हैं उनके ऊपर। सो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख रहे हैं, आप स्टूडेंट्स यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बता भी सकते हैं कि इसका आंसर क्या है। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं यहाँ पे तो देख रही है कि सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि द वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज यूनिट चार्ज अक्रॉस द टू पॉइंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट इज मेजर ऑफ। अगर इसको हिंदी में कन्वर्ट करें कि एक यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे अगर हम जो ले जाते हैं तो उसमें जो वर्क डन होता है उसको हम किस में मेजर करते हैं। तो स्टूडेंट्स किस में मेजर करते हैं, दैट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस, उसको हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, वर्क अपॉन में चार्ज, ठीक है, कितना हमें वर्क लगता है एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने के लिए। तो जो इसका करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स, दैट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस को हम डिनोट किससे करते हैं स्टूडेंट्स, वी से डिनोट करते हैं, एंड वी इक्वल टू वर्क अपॉन में क्यू, ठीक है। कई बार स्टूडेंट्स इसकी यूनिट पूछ लेता है, दैट विल बी जूल, वर्क को हम जूल में मेजर करते हैं, एंड चार्ज को हम कूलन में मेजर करते हैं, डेट विल बी जूल पर कूलन, ओके। सो नेक्स्ट, द डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग फॉर पोटेंशियल डिफरेंस इज नोन एज, कौन सा डिवाइस हम यूज करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए स्टूडेंट्स, डेट इज आपका वोल्ट मीटर, ओके, वोल्ट मीटर का हम यूज करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कई बार जो हिंदू वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो है पोटेंशियल डिफरेंस हम बोलते हैं विद्युत विभवांतर को, ठीक है। तो विद्युत विभवांतर को ऐसा कौन सा डिवाइस है जिससे हम मेजर करते हैं, डेट विल बी द वोल्ट मीटर। नेक्स्ट है आपका स्टूडेंट्स, बाय व्हाट अदर नेम इज द यूनिट जूल पर कूलम कॉल्ड। जूल पर कूलम को हम दूसरे अदर नेम से कैसे, इनमें से कौन सा ऐसा टर्म है जिसको हम जूल पर कूलम से भी जानते हैं। जूल पर कूलम यूनिट है, तो आपको ही पता है स्टूडेंट्स की पोटेंशियल डिफरेंस फर्स्ट जो क्वेश्चन था हमारा उसी पे ये बेस है। वोल्टेज, वोल्टेज क्या होता है, वर्क अपॉन में क्यू, वर्क डन अपॉन में क्यू, वर्क डन जूल में होता है, एंड जो कूलम होता है जो चार्ज होता है वो उसकी यूनिट होती है आपकी कूलम, तो जूल पर कूलम, ओके। तो स्टूडेंट्स अगर आपको अपनी प्रैक्टिस करनी है तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में अपने आंसर्स को भी मेंशन करिए ताकि हमें भी पता चलता जाए कि आपका जो आंसर है वो ठीक है नहीं है। तो स्टूडेंट्स तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है डेट विल बी पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस आपका करेक्ट ऑप्शन है, मींस विद्युत विभवांतर, ओके। वर्क डन नहीं होगा, करंट की यूनिट आपको पता है एम्पियर होती है, रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होती है, तो इनमें से इनकी मैंने आपको प्रैक्टिस करा दी है। एक काम कर सकते हैं स्टूडेंट्स, आप पॉज करिए, पॉज करके जो वीडियो है आप कमेंट सेक्शन में चेकआउट भी कर सकते हैं कि आपका जो आंसर है वो सही है या नहीं। देन फोर्थ, नेम द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस, फिर से दोबारा वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, डेट इज वोल्ट मीटर, ओके। हाउ इज वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन ए सर्किट, वोल्ट मीटर को हम सर्किट में कैसे कनेक्ट करते हैं। स्टूडेंट्स बहुत बार ये पूछा जाता है कि वोल्ट मीटर को हम कैसे कनेक्ट करते हैं सर्किट के अंदर। देखिए मैं आपको ये डायग्राम के थ्रू बता, डेट इज द सर्किट होता है, डेट इज द डेट इज सेल, ओके, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस है। अच्छा, रेजिस्टेंस के पैरेलल में वोल्ट मीटर कनेक्ट होता है क्योंकि ये वोल्टेज आपका नाप,
इससे वोल्टेज हमें मेजर होती है, यहाँ से जो वोल्टेज है हमें वो पता चलता है कि ये जो रेजिस्टेंस है आर, इसका वोल्टेज कितना है। अच्छा स्टूडेंट्स, रेजिस्टेंस क्या होता है, कई बार आप कंफ्यूज रहते हैं। रेजिस्टेंस स्टूडेंट्स वो सारे अप्लायंसेस जो कि आप अपने घर में यूज कर रहे हैं, फ्रिज, एसी, ये सारे के सारे क्या है, आपके रेजिस्टेंस का काम करते हैं। ओके, तो रेजिस्टेंस में कंफ्यूज मत होना कि किसके पैरेलल में करते हैं। तो अगर हमें किसी, आपकी फ्रिज है, आपके फ्रिज का, आपको फ्रिज का जो है वोल्टेज अगर आपको फाइंड आउट करना है, तो वोल्ट मीटर आप उसके पैरेलल के अंदर आप उसको कनेक्ट करेंगे, तब उसकी वोल्टेज आपको पता चलेगी। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे जो सही आंसर है दैट इज पैरेलल। हाउ इज एमीटर इज कनेक्टेड इन अ सर्किट, एमीटर कैसे कनेक्ट होता है किसी भी सर्किट में, देखिए स्टूडेंट्स ये सर्किट डायग्राम है, ये यहाँ पे हमने सेल लगाया, दैट इज पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ से करंट आपका गया आई। अच्छा यहाँ पे आपका हमारा एमीटर होता है जिससे हमें करंट पता चलता है, यहाँ पे रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस किसी, अभी मैंने बताया कि रेजिस्टेंस कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर हमें पता करना है कि इस रेजिस्टेंस में कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो वी यूज द एमीटर बिफोर दैट, ये एमीटर का यूज करेंगे सीरीज के अंदर, सीरीज को श्रेणी भी बोलते हैं हिंदी में। तो एमीटर जो कनेक्ट होता है किसी भी सर्किट के अंदर, वो श्रेणी के अंदर कनेक्ट होता है, दैट मीन्स सीरीज। ओके, अदर नेम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज, पोटेंशियल डिफरेंस का दूसरा नाम क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस का स्टूडेंट्स दैट इज पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल डिफरेंस का दूसरा नाम जो है आपका पोटेंशियल एनर्जी है। विभांतर, विद्युत विभांतर का दूसरा नाम जो होता है आपका पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, विभांतर एनर्जी जिसे बोलते हैं हिंदी में, हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए। आप देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स, एर्थ को जो क्वेश्चन आपका, ए रेडियो सेट ड्रॉज ए करंट ऑफ 0.36 एम्पियर फॉर 15 मिनट्स, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज डेट फ्लो थ्रू द सर्किट। स्टूडेंट्स ये न्यूमेरिकल है, मैंने बताया था इस चैप्टर के अंदर आपका न्यूमेरिकल्स जो होंगे काफी इंपॉर्टेंट होंगे, एंड उसके लिए आपको स्टूडेंट्स थोड़े फॉर्मुलेस पे आपका ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पे सबसे पहले गिवन क्या है, करंट गिवन है आई इक्वल टू 0.36 एम्पियर, टाइम दे रखा है स्टूडेंट्स टी इक्वल टू 15 मिनट। देखिए स्टूडेंट्स कभी भी देखिए जो टाइमिंग होती है, या तो आप उसे सेकंड में कन्वर्ट करिए या तो आप उसे आवर में कन्वर्ट करिए। तो इसे हम सेकंड में कन्वर्ट कर देते हैं, तो 15 मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो आप 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका मतलब ये हो जाएगा आपका 900 सेकंड, ठीक है। अच्छा यहाँ पे इसने बोला है कि यहाँ पे आपको दो वैल्यूज गिवन है, एक आई एक टी, देन यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है क्यू इक्वल टू आई इंटू टी। जो चार्ज हम फाइंड आउट करते हैं वो आपका करंट इनटू कितने टाइम के लिए करंट पास हो रहा है किसी भी कंडक्टर के अंदर, सो क्यू इक्वल टू आई अपॉन टी का आई इंटू टी, आई है आपका 0.36 मल्टीप्लाई टाइमिंग, कितने टाइम के लिए पास हो रहा है 900 सेकंड के लिए, या तो आप इसे आवर में कन्वर्ट कर लिए या आपका सेकंड में कन्वर्ट करिए, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 324। अच्छा क्यू है, कूलम में आएगा आंसर, तो डेट इज ए आपका ऑप्शन सही है, ठीक है स्टूडेंट्स। ए सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट हैज 24 वोल्ट बैटरी एंड द रेजिस्टर्स ऑफ 60 ओम, व्हाट विल बी द करंट इन द सर्किट, ठीक है। आप यहां पे देखिए स्टूडेंट्स, यहां पे वोल्टेज गिवन है आपको, एक किसी सर्किट के अंदर आपका एक विभांतर, बैटरी का विभांतर दे रखा है 24 वोल्ट और रजिस्टर दे रखा है, प्रतिरोधक दे रखा है 60 ओम्स का, तो उसमें से करंट विद्युत फाइंड आउट करना है, तो V इक्वल टू आई आर होता है। यहाँ पे जो वोल्टेज है आपका वो 24 वोल्ट है एंड रेजिस्टेंस है स्टूडेंट्स वो आपका 60 ओम, तो हमें फाइंड आउट करना है करंट, तो वैल्यू पुट ऑन करते हैं 24 इक्वल टू आई इंटू 60, तो यहाँ पे 24 अपॉन में 60 तो इसका मतलब 0.4 और करंट है दैट मींस एम्पियर, ठीक है। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। सो स्टूडेंट्स आप पॉज करके, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, पॉज करके आप ऐसा करना कि वीडियो जब मेरा आंसर होगा उससे पहले ही आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, तो इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी स्टूडेंट्स। सो
टेंथ क्वेश्चन देखते हैं। 100 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस, काफी अच्छा क्वेश्चन है और मेरा फेवरेट है। 100 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस ईच सेकेंड इन फोर ओम रेजिस्टेंस, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस। पोटेंशियल डिफरेंस भी हमें फाइंड आउट करना है। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी कितना पास आउट कर रहे हैं वो भी हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, 100 जूल आपका हीट दे रखा है, प्रोड्यूस होती है। अच्छा, ईच सेकेंड टाइम दे रखा है 1 सेकेंड, रेजिस्टेंस आपका गिवन है 4 ओम। एक फॉर्मूला स्टूडेंट्स, एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ये हीटिंग इफेक्ट का फॉर्मूला है कि एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। एच जो है आपका 100 है, आई स्क्वायर आई का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है और रेजिस्टेंस है आपका 4, टाइमिंग है 1। यहाँ पे जो 1 है स्टूडेंट्स, ये इसने सेकेंड मतलब वर्ड के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो 100 अपॉन में 4 इक्वल टू आई स्क्वायर 25, तो यहाँ पे 25 का रूट इक्वल टू आई, 5 इक्वल टू आई, 5 एम्पियर। तो आपका करंट कितना है स्टूडेंट्स, 5 एम्पियर, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस भी पूछा है, तो V इक्वल टू आई आर, तो V 5 है आपका करंट, रेजिस्टेंस है आपका 4, तो वोल्टेज आपका होगी 20 वोल्ट। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपका सी है, ये बाय मिस्टेक स्टूडेंट्स यहाँ पे V आपका हो गया। कभी कभार आपके एग्जाम में भी ऐसा हो सकता है कि डेट मीन्स आपको वहां पे सी ऑप्शन करेक्ट करना पड़ेगा, नहीं तो आपको कंसल्ट करना पड़ेगा वहां पे भी जो भी टीचर्स प्रेजेंस है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो आपका सी ऑप्शन है डेट इज करेक्ट, ठीक है। यहाँ पे मैं एम्पियर कैसे कर देता हूँ, यहाँ पे 5 एम्पियर है। सो स्टूडेंट्स आपको कैसा लगा आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए कि मैं इस वीडियो के अंदर कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस वन टाइम पे आपको कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसमें आपको वन टाइम में चाहिए, लाइक 20-30, प्लीज उसको आप मेंशन जरूर करें। इससे क्या होगा कि मुझे पता चलता रहेगा कि आपका स्टेमिना कितना है और कितने क्वेश्चंस मैं भी करा सकता हूं, ताकि आप बोर ना हो। मान लो मैं एक दिन में 50 क्वेश्चंस अगर कराता हूं, तो डेट विल बी मेक यू बोर, मतलब आपको काफ़ी ज़्यादा बोरियत सी महसूस होगी। तो ऐसा होगा कि एक डेफिनेट अगर हम अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस करेंगे लाइक 20-25-30 इस टाइप से, तो इससे क्या होगा आप भी एक्साइटेड रहेंगे वीडियोस के अंदर और हमारा भी काफ़ी ज़्यादा आपकी एक्साइटमेंट को देख के हमारा भी काफ़ी मन करेगा वीडियोज़ को बनाने के लिए। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड स्टूडेंट्स प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए। सब्सक्राइब आप नहीं कर रहे जिसके वजह से ये स्टूडेंट्स कई स्टूडेंट्स के पास रीच आउट नहीं हो रही। हम आपके लिए जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, सो आप अगर सब्सक्राइब करेंगे तो डेफिनेटली हमारा और मेहनत करने का मन करेगा और आपसे जुड़ने का मन करेगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।